प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार सुबह मन की बात 113वें एपिसोड में कहा, परिवारवादी राजनीति नई प्रतिभाओं को दमन करती है। बिना पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले युवाओं का राजनीति में आने से लोकतंत्र मजबूत होगा। मैंने इस साल लाल किले से बिना पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले 100,000 लोगों को पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़ने की बात कही थी। इससे पता चला कि हमारे युवा राजनीति में आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही मार्गदर्शन की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि अब प्रयास से ऐसे युवा जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, वे भी पॉलिटिक्स में आएंगे। स्वतंत्रता के समय भी बिना पॉलिटिकल बैकग्राउंड के कई लोग राजनीति में आए थे। युवा साथियों से कहूंगा कि पॉलिटिक्स में आए, इससे देश बदलेगा और मजबूत होगा। इस 23 अगस्त को ही हम सब देशवासियों ने अपना पहला नेशनल स्पेस डे मनाया। पिछले वर्ष इसी दिन चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी हिस्से में शिव शक्ति पॉइंट पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। भारत इस गौरवपूर्ण उपलब्धि को हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश बना। हर घर तिरंगा और पूरा देश तिरंगा अभियान सफल रहा। देश के कोने कोने से इस अभियान से जुड़ी अद्भुत तस्वीरें सामने आई। घरों, स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी में हमने तिरंगा देखा। इस अभियान ने पूरे देश को एक सूत्र में बांधा। यही एक भारत श्रेष्ठ भारत है। असम में तिनसुकिया जिले के छोटे से गांव बारेकुरी में मोरान समुदाय के लोग रहते हैं और इसी गांव में रहते हैं हुलाक गिबन, जिन्हें यहां होलो बंदर कहा जाता है। हुलाक गिबन्स ने इन गांव में ही अपना पसेरा बना लिया है। अरुणाचल में युवा साथियों ने 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करना शुरू किया है, क्योंकि वो वन्य जीवों और सींगों और दांतों के लिए शिकार होने से बचाना चाहते हैं। नाबम बापू और लिखनाना के नेतृत्व में ये टीम जानवरों के अलग अलग हिस्सों की 3D प्रिंटिंग करती है। हमने 19 अगस्त को रक्षाबंधन मनाया। उसी दिन पूरी दुनिया में विश्व संस्कृत दिवस भी मनाया। आज देश विदेश में भी संस्कृत के प्रति लोगों का विशेष लगाव दिखता है। दुनिया के कई देशों में संस्कृत भाषा को लेकर तरह तरह की रिसर्च और प्रयोग हो रहे हैं। हर साल 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच बच्चों के न्यूट्रिशन के लिए पोषण महीना मनाया जाता है। जागरूकता बढ़ाने के लिए एनीमिया कैंप लगते हैं। आंगनवाड़ी के तहत मदर एंड चाइल्ड कमेटी की स्थापना की गई है। पिछले साल इस अभियान को नई शिक्षा नीति से भी जोड़ा गया। मन की बात को 22 भारतीय भाषाओं और 29 बोलियों के अलावा 11 विदेशी भाषाओं में भी ब्रॉडकास्ट किया जाता है। इनमें फ्रेंच, चीनी, इंडोनेशियाई, तिब्बती, बर्मी, बलूची, अरबी, पश्तू, फारसी, दारी और स्वाहिली शामिल हैं। मन की बात की ब्रॉडकास्टिंग आकाशवाणी के 500 से अधिक ब्रॉडकास्टिंग सेंटर द्वारा की जाती है। मन की बात का पहला एपिसोड 3 अक्टूबर 2014 को प्रसारित किया था। पहले एपिसोड की टाइम लिमिट 14 मिनट थी। जून 2015 में इसे बढ़ाकर 30 मिनट कर दिया गया था।